हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट गिफ्ट डीड। जी हाँ, गिफ्ट डीड। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि स्पेशली जब पेरेंट्स उनके एज्ड हो जाते हैं तो वो उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब फ्लैट वगैरह उनके बच्चों के नाम कर दें। और इसके अलावा भाई बहनों में भी ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी या कोई चीज़ गिफ्ट कर दी जाती है सामने वाले को। एक पर्सन सेकेंड पर्सन को गिफ्ट करता है। तो जब हम गिफ्ट डीड की बात करते हैं तो दोस्तों, गिफ्ट डीड में दो लोग होते हैं, एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। इसके अंदर और डिटेल होती है प्रॉपर्टी के, आप क्या प्रॉपर्टी किसको कौन गिफ्ट कर रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है कि एक बार जो प्रॉपर्टी दे दी गई है वो वापस नहीं ली जाएगी। प्रॉपर्टी जो दी गई है उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी आप जो प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हो वो किसी और के ओनरशिप में है। और प्लस जो सामने वाला है जिसको डोनेट किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको वो दे रहे हो वो एक्सेप्ट भी करे। प्लस इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हैं अगर उनकी एज ज़्यादा है तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के बारे में तो नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 2% स्टैम्प ड्यूटी लगता है और प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर पेरेंट्स खुद के बच्चे को दे रहे हैं प्रॉपर्टी तो उस पर 200 रुपीज़ लगता है, प्लस उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज और मेट्रो सेस लगता है मुंबई में। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि विटनेस होना चाहिए गिफ्ट डीड में। गिफ्ट डीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इट इज़ एज गुड एज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट है, स्पेशली जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो। और काफ़ी सारे कानून के हिसाब मतलब काफ़ी सारे लॉज स्टेट लॉज के हिसाब से गिफ्ट डीड को रजिस्टर भी होना चाहिए। नॉर्मली गिफ्ट डीड ये भी हो सकती है कि आप सिर्फ कुछ लाख रुपये सामने वाले को गिफ्ट दे रहे हो और गिफ्ट डीड जो है वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी गिफ्ट डीड बनवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो गिफ्ट डीड से रिलेटेड कोई भी सवाल है। और मैंने एक शॉर्ट सा गिफ्ट डीड का फॉर्मेट आपको फ्री में बता दिया है, नीचे आप देख सकते हो, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।